कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची है। खबर है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा उनके घर नोटिस के मामले में पहुंचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के दिए यौन उत्पीड़न बयान को लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले भी राहुल को नोटिस भेजा था। एक एक कर कई कांग्रेस नेता उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। पवन खेड़ा, अशोक गहलोत, शक्ति सिंह गोहिल, अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश राहुल के घर पहुंच गए हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में आखिरी दिन राहुल गांधी ने कहा था कि आज भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने 16 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस भेजकर सवाल पूछा था कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा कहा है। पुलिस ने राहुल गांधी से उन महिलाओं की डिटेल देने के लिए भी कहा था। पुलिस ने कहा, हम यहां राहुल गांधी से बात करने आए हैं। राहुल गांधी ने 30 जनवरी को श्रीनगर में एक बयान दिया था कि यात्रा के दौरान वे कई महिलाओं से मिले और उन्होंने उन्हें बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। हम उनसे इस बारे में ही जानकारी लेने आए हैं ताकि पीड़िताओं को न्याय मिल सके। पुलिस ने 15 मार्च को मामले की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की लेकिन विफल रही और 16 मार्च को नोटिस भेजा। पुलिस ने कहा कि मामले को लेकर दिल्ली में उनकी टीम ने छानबीन की लेकिन इस तरह की कोई महिला नहीं मिली। हमने पहले भी जानने की कोशिश की थी लेकिन राहुल विदेश में थे इसलिए हम नहीं मिल पाए। पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द इसकी जानकारी लेकर हम इस पर कार्रवाई करें जिससे विक्टिम को कोई परेशानी ना हो। बस यही जानकारी लेने के लिए पुलिस उनके घर पहुंची है।